मुजफ्फरपुर जिले से एक बड़ी साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है, जहां नगर थाना क्षेत्र के बालूघाट के रहने वाले एक सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक श्याम मोहन मिश्रा से साइबर क्रिमिनलों ने 4G मोबाइल में 5G सुविधा उपलब्ध कराने के नाम पर सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक से बैंक की OTP नंबर मंगवाकर 7 दिनों में 55 बार बैंक अकाउंट से ट्रांजेक्शन कर उनके जीवन भर की कमाई लगभग 35 लाख रुपए की निकासी कर ली। जब सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक अपने पेंशन की राशि लाने 6 मई को बैंक गए तो बैंक अकाउंटेंट ने बताया कि उनके खाते में मात्र 13 रुपए बचे हैं, जिसे सुनकर उनके होश उड़ गए और बैंक अकाउंट का डिटेल निकाला तो पता चला कि उनके साथ बहुत बड़ा साइबर फ्रॉड हुआ है, जिसकी लिखित शिकायत साइबर थाने को किया है। वहीं साइबर थाने की पुलिस मामले की लिखित शिकायत दर्ज कर मामले में छानबीन में जुट गई है। वहीं घटना के बाद से सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक के साथ पूरा परिवार सदमे में है। एक छोटी सी गलती ने उनके जीवन भर की गाढ़ी कमाई को एक फोन कॉल में छीन लिया। मुजफ्फरपुर नाउ की टीम एक बार फिर आप लोगों से निवेदन करता है, यदि इस तरह का फोन कॉल या मैसेज से बचे और शिकायत साइबर थाने की पुलिस से कर। चार को मेरे पास एक कॉल आया, जो आपका मोबाइल एयरटेल का सिम है, 4G से 5G हो जाएगा। इससे पहले भी संबंधित कॉल आता रहता था, जिस कॉल को हम नकार देते थे, कहते थे 4G 5G करा के क्या करेंगे। उस दिन हम दिन में खाना खा के सोए हुए थे, बड़ी गर्मी थी। इस बीच में मैं बाथरूम जाके पेशाब करके लौटा, आधी नींद में ही था, फिर उसका कॉल आ गया। मेरी मति मारी गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उसने जैसा कहा मैंने कर दिया। क्या कहा? जो आपको एक OTP जाएगा आप भेज दीजिए, जो आपका 4G से 5G में हो जाएगा। उसके बाद, उस प्रक्रिया के बाद फिर मैं सो गया। कल होके मैंने चेक नहीं किया कि 5G क्या होगा, 4G भी चल रहा है या नहीं चल रहा है। भयंकर गर्मी पड़ रही थी। 2 तारीख को पेंशन आया अकाउंट में, उसका मैसेज नहीं आया। तो ये सोच के मैं रह गया कि कभी कभी मैसेज नहीं भी आता। बैंक से कोई मैसेज नहीं आया था। होते होते 7-8 तारीख को मैं पेंशन लाने ब्रांच जाता हूँ। 50,000 रुपया मासिक मैं निकाल लेता था अपने घरेलू पारिवारिक खर्च के लिए। तो वहाँ से हमको कहा गया कि आपका खाता तो नील है, 13 पैसा बचा हुआ है। मैं चौंक गया, अचानक शौक लगा है, ऐसा कैसे हुआ? करीब 34-35 लाख रुपया मेरा था। तो आपके पास साइबर फ्रॉड हो गया, आपका मोबाइल हैक है। तब मैंने मोबाइल चेक किया तो उस समय मोबाइल हैक उस समय तक था। तब कानूनी प्रक्रिया के लिए मैं पोर्टल 1930 पर पहले आपत्ति दर्ज की, नेशनल साइबर क्राइम का शायद है। उसके बाद बैंक से स्टेटमेंट लेकर साइबर थाना बेला में मैंने FIR दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। अब देखिए टोटल कितना अमाउंट ठग लिया आपने? देखिए ठग नहीं लिया, उसने कहने दीजिए 35 लाख से अधिक है, 35,40,000 के आसपास। पूरे जीवन का कमाई ले गया आपने। अब मैं क्या कहूँ, सेवांत लाभ मिला था और पेंशन भी खाता उसी में आता था। इस महीने का पेंशन भी पिछले महीने का ले लिया। कितने तरीके से इसमें पैसे आपके कटे? कितने ट्रांजेक्शन में पैसा? लगभग 55 ट्रांजेक्शन बैंक द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया। जी, कितने बार में निकाला गया था? 55 ट्रांजेक्शन बोलते हैं ना, 55 ये दिनांक 30/4 से लेकर 30/4/24 से लेकर 6/5/24 तक ये राशि निकाल ली। आप 4G 5G समझते हैं क्या? नहीं समझते हैं, गलती हो गई, मटी भ्रष्ट हो गई। मैं शिक्षक रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मेरा धन चला गया, मैं अपना धर्म नहीं समाप्त करूँगा। अच्छा, ये पैसा किसके नाम से इसमें बता रहा है बैंक में? इसमें तो तरह तरह का नाम है, कोई संजय कुमार है, कोई ऋतिक कुमार सिंह है, कोई अल्बेनज मनी करके हैं, कुछ अलग अलग नाम, अलग अलग नाम से है, कुछ अकाउंट ट्रांसफर है। बैंक में जब आप गए मदद जी, बैंक वालों ने किस? बैंक वालों ने कहा तुरंत जो हम स्टेटमेंट निकालते हैं, हम चाहते हैं कि होल्ड करें अधिक से अधिक पैसा। कुछ उनके बैंक का भी खाता है इंडियन बैंक में, जिसमें मेरा खाता है, उसी बैंक का अकाउंट है, एक दुमका में है, एक शायद तमिलनाडु में है, उस अकाउंट में ज़्यादा ट्रांसफर है।
तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि बैंक की भूमिका, लेकिन बैंक को भी अपनी जवाबदेही समझनी चाहिए। मेरा मोबाइल अगर हैक था और इतना ट्रांजैक्शन हो रहा था, मैं उसको व्यक्तिगत रूप में उस ब्रांच में लोग जानते हैं, पिछले 15-20 वर्षों से मेरा खाता उस बैंक में, किस बैंक में? इंडियन बैंक जवाहरलाल रोड शाखा, जो अभी तिलक मैदान में बिजली ऑफिस के पास, उसमें मेरे बड़े भाई ब्रांच मैनेजर रह चुके हैं। उसमें अभी मेरे गाँव का एक लड़का जो भतीजा है रिश्ता में, वो रहता है। क्या नाम आपका? श्याम मोहन मिश्र। क्या करते थे? हम हाई स्कूल से रिटायर हैं, प्रभारी प्रधानाध्यापक पद से सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्ति हुई थी। कहाँ पे पदस्थापना थी? उच्च विद्यालय सिंहवाड़ा से, वहीं वहीं ज्वाइन भी किए थे, दरभंगा से, और वहीं से रिटायर भी। रिटायर कब की थी? 30 अप्रैल 2022 को।